हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी जैन। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आपका मेरा सबका फेवरेट पिज़्ज़ा। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत होती है। देखिए, पिज़्ज़ा बेस जिसे मैंने घर पे बनाया है और पिज़्ज़ा सॉस जिसे मैंने घर पे बनाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद जो सॉस हमने प्रिपेयर किया है उसको अच्छी तरह से इस पर फैला देते हैं, अच्छी तरह से फैला कर लगा देते हैं। अच्छी तरह फैलाने के बाद इसमें हम डालेंगे चीज़, ढेर सारा चीज़ इसमें हम डालते हैं। चीज़ भी घर पे आसानी से बनाया जा सकता है। इसकी लिंक भी मैं कुछ दिन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे घर देखकर आसानी से चीज़ भी घर पे बना सकते हैं। इसके बाद हम आप अपनी फेवरेट वेजेस इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल रही हूँ उसमें शिमला मिर्च जिसे मैंने गोल गोल कट कर लिया है पतला पतला, और इसे मैं इसके ऊपर एक रख देती हूँ। उसके ऊपर से अनियन की रिंग्स मैंने कट करके निकाल ली हैं, पतली पतली अनियन की रिंग्स। आपको जितनी अनियन जैसा पसंद हो तो आप डाल लीजिए इसमें। आप अपनी फेवरेट कोई भी वेजी डाल सकते हैं। टमाटो की स्लाइस डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसमें मैं फिर से अनियन की एक और रिंग डाली, जो मुझे अनियन पसंद है इसलिए मैं इसमें अनियन ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ पीनट, आप और कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, मुझे पीनट पसंद है इसलिए मैं पीनट डाल रही हूँ। वैसे पीनट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो आप पीनट ट्राई कीजिएगा। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी वेसे लीफ या तुलसी के पत्ते, मिक्स हर्ब्स थोड़ी सी डाल लेते हैं हम इसमें। और इसके बाद थोड़ी सा पनीर के टुकड़े डाल लेते हैं हम इसमें, और फिर इसके बाद फिर से हम ढेर सारा चीज़ इसमें डाल देते हैं। चीज़ इसमें आप जितना डालेंगे वो मेल्ट होने के बाद उतना अच्छा टेस्ट देगा, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। मेरी रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में से लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसे प्री हीट ओवन, जिसे मैंने 200 डिग्री पे प्री हीट करके रखा है, उस पर बेक कर देते हैं 5 to 7 मिनट के लिए। टेम्परेचर 200 डिग्री ही रखेंगे। अलग ओवन में इसे बेक होने में अलग अलग टाइम लगता है। 7 मिनट हो चुके हैं और मेरा पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। आप इसे अपने मन चाहे आकार में और मन चाहे पीसेस में काट सकते हैं। और देखिए, मेरा पिज़्ज़ा मैंने कट कर लिया है। खाइए और खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साइड में जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे अपकमिंग